सीडीपीओ कार्यालय बना भ्रष्टाचार का अड्डा, हर कार्य के लिए की जा रही अवैध वसूली, डाटा ऑपरेटर द्वारा किया जा रहा मनमानी, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को किया जा रहा परेशान, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ के द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय कर्मी पर लगाया गया आरोप, तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप को किया गया खारिज। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव, आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं, नंदन करती हूं, अभिनंदन करती हूं। बहनों, ये खबर नवी नगर से आ रही है, जहां पर बाल विकास परियोजना कार्यालय में वहां के कर्मियों के द्वारा अवैध रूप से वसूली की जा रही है। यहां तक आरोप लगाया गया है कि जब आपको PMMBY यानी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत जो फॉर्म लिया जाता है, या मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा परियोजना में फॉर्म दिया जाता है, उसमें भी बिना पैसे लिए फॉर्म को नहीं भरा जा रहा है। हर कार्यों के लिए पैसे की उगाही मनमाने ढंग से की जा रही है। विरोध करने पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं से सीधी मुंह पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो या डाटा ऑपरेटर बात नहीं करते और उनको प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। इसी को लेकर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ ने एक बैठक आयोजित की और उस बैठक में निर्णय लेकर ये सारे जो उनके साथ परेशानियां हुई है, उस बातों को लिखित रूप से उन्होंने मीडिया में भी देने का काम किया है। हालांकि सेविका सहायिका संघ के द्वारा कार्यालय कर्मी पर जो आरोप लगाया गया है, उस आरोप को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा सीधे सीधे खारिज कर दिया गया है। उनके द्वारा उस आरोप को बेबुनियाद निराधार बताया गया है और जांच के लिए भी कहा गया है। तो आइए मैं उस पेपर की कटिंग आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ, जिसमें किस तरह से बाल विकास परियोजना कार्यालय जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, वहां पर सेविका सहायिका को परेशान किया जा रहा है, हर कार्यों के लिए पैसे की उगाही की जा रही है, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका से सीधी मुंह बात तक नहीं की जा रही है, उसको लेकर आंगनवाड़ी संघ ने एक कड़ा कदम उठाया है। तो आइए मैं उस पेपर की कटिंग आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। भ्रष्टाचार का अड्डा बना सीडीपीओ कार्यालय, हर काम के लिए होती है अवैध उगाही। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ की बैठक में उठाए गए मुद्दे, डाटा ऑपरेटर भी कर रहा परेशान, सेविका सहायिका ने जताया विरोध। ये खबर नवी नगर से आ रही है। शहर के गायत्री मंदिर प्रांगण में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ की बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता एटक जिला अध्यक्ष उपेंद्रनाथ शर्मा व संचालन महासचिव रंजीत कुमार ने किया। अध्यक्ष शांति देवी, सचिव बैजंती देवी, कोषा अध्यक्ष सविता कुमारी, सेविका निर्मला देवी, बेबी कुमारी, कमला कुमारी, फूल कुमारी, अर्चना देवी, ममता सिंह, शारदा देवी, रूबी देवी, अंगूरवास देवी, सुशीला कुमारी, सहायिका मीना कुमारी, प्रतिमा कुमारी आदि ने कहा कि सीडीपीओ कार्यालय में कमीशन खोरी व भ्रष्टाचार का आलम है। महिला सुपरवाइजर व सीडीपीओ कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा मानसिक रूप से शोषण किया जाता है। बार बार चयन मुक्ति के धमकी देकर अन्य कार्य कराए जाते हैं। सीडीपीओ कार्यालय के डाटा ऑपरेटर ज़्यादा पावर में रहते हैं और किसी भी सेविका सहायिका से ढंग से बातचीत नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री वंदन योजना व मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में बिना पैसे लिए किसी भी फॉर्म का एंट्री नहीं की जाती है। बाल विकास परियोजना कार्यालय में भ्रष्टाचार इस कदर तक बढ़ गया है कि कुपोषित बच्चों के लिए दिया जाने वाला पोषाहार राशि निकासी के बाद सेविकाओं से महिला पर्यवेक्षिका द्वारा 3-3 हज़ार रुपये की अवैध रूप से मांग की जाती है। यह कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गया है। वर्तमान में प्रखंड के 73 आंगनवाड़ी विकास समिति के खाते में 10 हज़ार रुपये बिल्डिंग पेंटिंग के लिए आया है, जिसको सीडीपीओ कार्यालय द्वारा जबरन निकासी कर मांगी जा रही है। इसकी गंभीरता से जाँच होनी चाहिए। सीडीपीओ कार्यालय के डाटा ऑपरेटर का भी तबादला होना चाहिए। इधर सीडीपीओ समीमा परवीन ने बताया है कि संघ द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है, अगर इस तरह की कोई बात है तो मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बहनों, तो अगर आप लोगों ने बड़ी ही बारीकी से अगर इस पेपर कटिंग को पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, तो सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पदाधिकारी भी जानते हैं,
यहाँ तक कि सरकार भी जानती है, क्योंकि ये सिस्टम बना हुआ है, सभी को पता है। ये किसी एक प्रखंड, एक जिला, एक राज्य की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे भारतवर्ष की बात है। ये बाल विकास परियोजना कार्यालय कर्मी के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं पर दबाव बनाया जाता है और अवैध रूप से वसूली की जाती है। जो काम करने वाली सेविका अगर इसका विरोध करते हैं तो पर्सनली उन्हें टारगेट कर टॉर्चर किया जाता है, उनको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है। ऐसे में हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका कार्य करते हुए भी इन लोगों के सामने घुटने टेके रहते हैं। कारण ये कि क्षणिक लोभ के कारण हम भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। इसलिए जो पैसे गलत तरीके से उगाही की जाती है, वो पैसे उन्हें ना देकर अगर आप जनते में खर्च करते हो तो आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सही में ये अगर पेपर में आया है तो गलत नहीं आया है, ये आरोप लगा है तो भले ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी महोदया के द्वारा निराधार बताया गया हो, बेबुनियाद बताया गया हो, सीधी बात, सीधी मुंह उन्हें खारिज कर दिया हो, लेकिन ये सत्य है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय घुसखोरी का अड्डा बन चुका है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर हर कार्य के लिए चुमावन चलता है, यानी कि पैसे चलता है। जब तक आप चुमावन नहीं दीजिएगा आपका कार्य नहीं होगा। अभी जो प्रधानमंत्री वंदन योजना या मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का फॉर्म जितना टारगेट दिया गया है उसके अनुसार जमा नहीं हो रहा है, उसका कहीं न कहीं एक ये भी मुख्य कारण है। फॉर्म सेविका दे तो देती है लेकिन पैसा नहीं देती है, तो उस फॉर्म को नहीं भरा जाता है। भरा भी जाता है तो उसमें कुछ जानबूझकर डाटा ऑपरेटर के द्वारा, महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा गलतियां कर दी जाती है, जो वो फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है और परेशान होती है बेचारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका। तो डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। और जिस दिन आप सशक्त हो जाइएगा अपनी मांगों के समर्थन में, इन लोगों से दो दो हाथ कर लीजिएगा, सत्य का दामन थाम लीजिएगा, गलत का विरोध करना सीख जाइएगा, उसी दिन आपकी जीत तय हो जाएगी। और ये जो भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली पदाधिकारी है, जो मोटी मोटी रकम की उगाही करने के बावजूद वो सीना तान कर हम लोगों के सर पे हाथ फेरते चलती है, हमको डराते धमकाते चलती है, वो दिन नहीं कि ये आपसे डरेंगी, बशर्ते कि आप ईमानदार, मेहनती और सशक्त बनिए, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राधे राधे।